Hello everybody, I'm back with another video. So in today's video we are gonna compare Meesho with Amazon. तो मैंने Meesho और Amazon के दोनों के सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं टू सी कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और कौन कितना क्वालिटी फ्रेंडली है और कौन कितनी वैल्यू ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. These all are the products which I have for today's review. मैंने similar products ही order किए हैं Meesho से भी और Amazon से भी, तो हम उनको side by side compare करेंगे. Starting with the first thing which I got is the makeup bag. So this one is from Amazon and this one I got from Meesho. तो देखते हैं, वैसे तो बाहर से आपको क्वालिटी में फर्क समझ में आ गया होगा. First let's open from the Meesho. मुझे ऐसी कुछ पैकेजिंग में मिलता है, इसके अंदर कुछ स्टफ नहीं था. So if I'll open it, तो पैकेजिंग के हिसाब से इट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि इस ऐसी पैकेजिंग से यहाँ पर देखो प्रोडक्ट पर भी यहाँ पे मार्किंग आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी. तो ये मार्किंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. वैसे अगर देखा जाए तो अंदर की क्वालिटी वाइज इट इज़ ओके, लाइक नो प्रॉब्लम एट ऑल है फॉर दिस सेंट्रल कंटेनर. तो यहाँ पर भी आप अपना स्टफ रख सकते हो. सो इट हैज़ दिस केस for compact and lipsticks, then it has this bigger one case and then center में आपको partition मिलता है, फिर यहाँ पर एक second partition है और यहाँ पर आपको मिलता है कुछ भी अपने brushes वगैरह रखने के लिए. अगर मैं इसको यहाँ पे zip से close करूँ तो it will take its shape. वैसे तो उसको shape मुझे लाना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ filled नहीं था. This is how it looks. स्लीक सा लग रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल विथ कंपेयर टू द प्राइस. और इसके अंदर अगर आप सामान भरोगे तो दिस लुक्स ड्यूरेबल एंड अंदर से भी ड्यूरेबल है, बाहर से भी ड्यूरेबल है और काफ़ी स्मूथ इसका टेक्सचर है. सो दिस वन वॉज फ्रॉम Meesho एंड इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो. ऑल इट्स ओपन फ्रॉम द अमेजोन. तो ये वाला है फ्रॉम बैटलफील्ड और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसको कैरी करने के लिए. दिस इज द बैग एंड इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा इसको लेदर काइंड ऑफ टेक्सचर दिया है, थिक टेक्सचर है इसका और इसका फैब्रिक भी काफ़ी थिक है. तो आई लाइक इट. यहाँ पर इसका ब्रांड लोगो लगा हुआ है. कैरी करने के लिए यहाँ पर एक इसका केस है और इसकी जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. Meesho वाले पे वी हैड अ सिंगल जिप बट यहाँ पर हमारे को अच्छी क्वालिटी के जिप भी मिल रहे हैं और ड्यूल जिप भी है. तो व्हेन आई ओपन इट तो दिस इज सेम लाइक द Meesho वन, बस इसके अंदर ये फिलिंग है और अंदर का क्वालिटी मटेरियल का Meesho वाले से अच्छा है. ऑफ कोर्स इसका प्राइस भी उससे काफ़ी अच्छा है. यहाँ पर ब्रश रखने के लिए सेक्शन है, देन वी हैव दिस सेक्शन फॉर कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक, देन वी हैव दिस सेंट्रल पार्टीशन जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हो. द होल बैग, होल कंटेनर, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाएगा. जब आप इसको फिल करोगे तो अगेन यू कैन जिप इट लाइक दिस. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो क्वालिटी वाइज इसमें कोई बुराई नहीं है. दिस इज़ वेरी गुड as per the quality and I think I'm gonna keep this one instead of the Meesho one because मुझे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए था. बट अगर आप इनको साइड बाय साइड कंपेयर करोगे यू कैन सी तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है. साइज में भी ऑलमोस्ट दोनों सेम है. Meesho वाला थोड़ा छोटा है बट Meesho वाला क्वालिटी वाइज इससे अच्छा नहीं है. ये इसकी क्वालिटी बहुत ड्यूरेबल है और बहुत अच्छा भी लग रहा है ये कंपेयर टू दिस वन. बट इसका प्राइस इससे ऑलमोस्ट 3 गुना है और इसका प्राइस मतलब 250 के अराउंड है. सो यू कैन सी कि कितना मतलब वैल्यू ऐड कर रहे हैं. सो इफ़ यू वांट कि आपको कुछ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए एंड बजट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू तो आप इसके साथ जा सकते हो. अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो कूल, इसके साथ भी आप जा सकते हो. Amazon का प्राइस जो ये प्रोडक्ट है बैटलफील्ड इसका आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टफ विच इज़ ज्वेलरी बॉक्स विच आई परचेस्ड. सो दिस वन आई बॉट फ्रॉम Amazon एंड दिस वन आई गॉट फ्रॉम Meesho. तो पैकिंग वाइज आपको बाहर से डिफरेंस दिख जाएगा. तो पहले हम खोलते हैं Meesho वाला. कुछ खास पैकेजिंग नहीं है इसमें, जस्ट आपको ये जो डिफ़ॉल्ट पैकेजिंग का डब्बा होता है वही था. एंड जब आप देखते हो तो बस ये पॉली बैग में इसको कवर करके दिया हुआ है. वैसे जो ये ज्वेलरी बॉक्स है मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, आ गया ग्रीन कलर में. तो यू कैन सी क्वालिटी वाइज इट इज़ डिसेंट. यहाँ पर सॉफ्ट है, साइड में थोड़ा हार्ड है बट काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है और इसको लेदर लाइक फिनिश देने की कोशिश की है. सो दिस लुक्स लाइक अ लेदर बट आई थिंक ये रेक्सिन होगा. और यहाँ पर एक लॉक मिलता है, इसको आप क्लिक करके अपने इसको खोल सकते हो ज्वेलरी बॉक्स को. यू कैन सी ये काफ़ी प्रिटी है. यहाँ पर आपके पास केस है टू पुट योर पेंडेंट्स और यहाँ आप उनको हैंग कर सकते हो और कोई और छोटी ज्वेलरी आप यहाँ लगा सकते हो. इसमें मुझे सबसे कूल लगा ये जिसमें कि आप अपने टॉप्स को फिट करके लगा सकते हो छोटे इयररिंग्स को. एंड ये इस पर अटैच्ड है तो ये खोएगा भी नहीं. देन यहाँ पर आपको पार्टीशन मिलता है विच इज़ अ एडजस्टेबल पार्टीशन फॉर योर बिगर ज्वेलरी। तो यहाँ पर आप रख सकते हो एंड इनकेस इफ़ यू वॉन्ट टू रिमूव इट आप हटा भी सकते हो इसको या अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। रिंग्स के लिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी इयरिंग्स के लिए, और ये भी एडजस्टेबल है। ये इसके साथ की मिलती है जिससे आप इसको लॉक कर सकते हो यहाँ पर। तो लेट्स पुट इट हियर। और इसके अलावा इसको जब आप ऊपर उठाओगे तो ये अलग हो जाता है और इसके अंदर और भी स्पेस है टू पुट योर लार्जर ज्वेलरी और इयरिंग्स। तो दिस इज़ वेरी कूल। इसका प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना। नाउ लेट्स ओपन अमेजोन वाला बॉक्स। वो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी आती है व्हेन यू ओपन इट। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलता है एंड सेम प्रोडक्ट है, कलर दूसरा है। यू कैन सी इसमें भी आपको लेदर रैक्सिंग फिनिश दी हुई है एंड इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। ऊपर से दिस इज सॉफ्ट और यहाँ से ये हार्ड है कॉर्नर से, और यहाँ पर इसका भी लॉक है। तो व्हेन यू ओपन दिस लॉक तो यहाँ पर आपको पेंडेंट रखने के लिए पार्टीशन मिलेगा। देन यू हैव दिस फॉर योर रिंग्स। यहाँ पर आप कुछ अपनी जैसे कि वॉच वगैरह रख सकते हो और द बिगर ज्वेलरी यहाँ पर फॉर द बिगर इयर रिंग्स एंड देन यहाँ पर बड़ी ज्वेलरीज के लिए। तो इसमें जो मिसिंग है यू वुड हैव नोटिस्ड कि यहाँ पर हमको जो छोटे इयर रिंग्स रखने के लिए है वो वाला सेक्शन नहीं मिलता जो कि हमें मीशो पर मिलता है। इसमें हमें इयर रिंग के लिए नहीं मिलता और जबकि इसमें हमको मिलता है विच इज़ अ ट्रू गुड पॉइंट, क्योंकि हम सबके पास ऐसी ज्वेलरी होती है जो कि हमें छोटी होती है और वो इस पर फिट आ जाएगी। तो मुझे यूटिलिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा लगा। क्वालिटी वाइज दोनों इक्वल है, क्वालिटी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो आई थिंक आई एम गोना कीप मीशो वाला बॉक्स बट इन अ डिफरेंट कलर। तो आई विल एक्सचेंज इट विद अ डिफरेंट कलर लाइक व्हाइट और समथिंग एल्स। तो ये अमेजोन वाले बॉक्स का प्राइस यू कैन सी हियर। लेट्स कम टू द फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ दिस। वैसे दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कि इतना आइडेंटिकल नहीं है। दो आइडेंटिकल मंगाने का ऑप्शन मेरे पास था बट मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। सो आई थॉट कि लेट्स बाय दिस वन एंड बाय दिस वन, तो हमें क्वालिटी का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट्स ओपन फ्रॉम दिस वन फ्रॉम मीशो। तो इसकी पैकेजिंग ऐसी ही आती है। इसमें एक्चुअली मेकअप ब्लेंडर है और एक आपको मिलता है ब्रश, ब्लेंडर ब्रश। तो ये ऐसा ही मिलता है आपको। ब्रिसल इसके सॉफ्ट है, नॉट बैड, बट इसको ना जैसे मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ तो यू कैन सी इसके ये जो इसके अंदर के ब्रश के फॉलिकल्स हैं ये उड़ रहे हैं। सो दिस इज नॉट इन अ गुड क्वालिटी। तो आई एम गना रिटर्न इट फॉर श्योर। और वैसे भी आई डोंट यूज़ ब्रश, आई जस्ट वॉन्टेड टू डू एक्सपेरिमेंट कि इफ माई स्किन कैन टॉलरेट अ ब्रश लाइक दिस और नॉट, बट आई थिंक इट्स अ नो नो फॉर मी, सो आई विल रिटर्न इट। एंड इसके साथ साथ ये मेरे को स्पॉन्ज भी मिले थे, मेकअप स्पॉन्ज, तो इनको भी मैं रिटर्न कर दूँगी बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दिस इफ़ मुझे ये भी रखना पड़े। सो आई विल रिटर्न दीज। इनका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय आप कमेंट डाउन कर सकते हो। सो आई विल शेयर द प्रोडक्ट लिंक्स विद यू। नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स फ्रॉम अमेजोन। सो ये डायरेक्ट इस पैकेज में आता है। व्हेन यू विल ओपन इट दिस विल लुक लाइक दिस। और बाहर से तो ये बहुत प्रिटी लग रहा था, मुझे लगा ये सच में बहुत प्रिटी होने वाला है। इसका आउटर केस है, तो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो मुझे तो पर्सनली ये कलर पसंद नहीं है बिकॉज पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा डल लगता है। तो व्हेन यू ओपन इट, वैसे प्रोडक्ट काफ़ी सही है, लाइक यूजफुल है। यू डू अ लॉट ऑफ मेकअप। इसमें आपको यहाँ पर मिरर मिलता है एंड विद द मिरर यू गेट दीज ब्रशेस। आप देख सकते हो ये ब्रशेस। तो ये छोटा सेट है ब्रश का। इसमें आपको मिलता है ब्रशेस फॉर योर आई मेकअप लाइक दीज। ये छोटे छोटे ब्रशेस आपको मिलेंगे फॉर आई मेकअप। इनके जो ये है ब्रिसल्स से बहुत सॉफ्ट हैं, सो आई लाइक दिस वन, बट सेम क्वालिटी का इश्यू है। देखो इसमें से भी ऐसे इसके ब्रिसल बाहर आ रहे हैं। तो आई एम ऑल्सो गना रिटर्न इट। इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। इन दिस डिपार्टमेंट दोनों बजट फ्रेंडली थे बट इनका क्वालिटी कुछ इतना एज एक्सपेक्टेड नहीं था। सो आई नॉट ब्लेम एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग बिकॉज इनका कॉस्ट के हिसाब से दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड वैल्यू, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई शेयर द लिंक विद यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज एंड आई क्रिएट अदर videos too. So thanks for watching this video and please like and subscribe. Till then, bye bye, take care.